हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट से जाकर सारे करंट अफेयर्स की वीडियो देख लो। आपका करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी है। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ना अलग अलग स्कीम चलाने की घोषणा करी है। न्यू लाइफ स्टाइल की बात करी गई है मोदी साहब के द्वारा, तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना कि हम लोग कितना परसेंट रिड्यूस करने वाले हैं पॉल्यूशन में, कि हम लोग जो पार्टिकल मैटर कंसंट्रेशन हो रहा है उसका, तो इसे कैसे कवर करेंगे, कितना परसेंट कवर करेंगे। तो देखिए देखिए 2026 तक हम लोग चाह रहे हैं कि 40% का जो टारगेट है वो 26 के लिए है, और अभी के लिए 2024 तक हम लोग जो है 20-30% जो भी ये पार्टिकल जो है सॉलिड पार्टिकल जो एयर पॉल्यूशन का काम करते हैं इसे घटाने की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कुछ फुल फॉर्म भी है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP का फुल फॉर्म है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पेन पेपर पे नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिए, एग्ज़ाम में आ जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। यहाँ से देख लीजिए, हु इज नोन एज अ डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। नीचे कमेंट करके आप लोग सारे लोग इसका आंसर करें, जिनको नहीं पता गूगल करके आंसर कर लो आप। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लीजिए कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए अलग अलग जो है सरकारें स्कीम चला रही है, चाह रही है कि देखिए इन फ्यूचर ना इंसान सिर्फ सांस लेने से मर जाएगा। अभी कोविड में देखना आप कितने लोग मारे गए। इस तरह की चीज़ें आएगी अगर आप नेचर के साथ जो है खिलवाड़ करोगे, तो ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलते रहेगी। और एक और क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये जो है किन किन लोगों के लिए है, फार्मर के लिए है, महिलाओं के लिए है, जनधन अकाउंट होल्डर के लिए है, तो इन चीज़ों को आप देख लेना। और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यूअसली मैं आंसर करके आपको बताता जाऊंगा। ICAO का स्टैंड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दे दो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ एक जरूरी सूचना, 150 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। एक और चीज़ आपको बतानी है, देखिए 100 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिन्हें लेना हो ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और आखिरी के समय में कुछ भी नहीं पढ़ने के हो तो नोट्स तो जरूर ही ले लो आप, बाकी आप जानो अगर आप नहीं ले रहे हो तो आई डोंट नो आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन अवार्डेड द ASQ अवार्ड, इन जो है किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। कोचीन कहाँ पर है, डी नंबर में आंसर आपका यही होगा। कोची में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ इस एयरपोर्ट के बारे में, जीके में पूछा जा सकता है। ये वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 100% सोलार एनर्जी पे चलती है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए और कुछ क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो आप। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022, यानी कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन है। तो इसका राइट आंसर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कतर दोहा में ये है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हु हैज़ बीन गिवन आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय UK पार्लियामेंट, तो तनुजा नेसारी को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड जो है UK पार्लियामेंट्री के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाटा स्टील आप जानते ही हो, एक पार्क का इन्होंने उद्घाटन किया जिसका नाम है कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये कहाँ पर स्थित है, नागपुर में, जमशेदपुर में, कानपुर में या देहरादून में। तो देखिए ये झारखंड के जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर में टाटा का जो भी हो, टाटा स्टील हो, टाटा का बहुत पुराना संबंध है सिटी से, तो यहाँ पे ये पार्क को इनॉग्रेट किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। और कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। इन विच स्टेट द फर्स्ट सी ऑटो स्टैंड हैज़ बीन सेट अप, आंध्र प्रदेश में सी ऑटो जो है बनाया जाएगा। आगे देख लीजिए एक और क्वेश्चन, इन विच स्टेट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड 2G इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन सेटअप, कहाँ पर सेटअप किया गया है, पानीपत के हरियाणा में। इथेनॉल 2G की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम लोग देख लेते हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS जो है कंट्री के लिए बनाया गया, कहाँ से अनिल चौहान दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन सी में, यही आपका राइट आंसर है। अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान को नया CDS नियुक्त कर दिया गया है। और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंजीत बजाज इसका राइट आंसर है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए जो चेयरपर्सन है उनको किन्हें चुना गया है, रंजीत बजाज को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, तो देखिए आर के गुप्ता इज राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइए इस क्वेश्चन को। विच सीनियर एडवोकेट हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नए अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया है, तो आर वेंकट रामन इज द राइट आंसर। यहाँ से आप ऑप्शन ए के साथ देख सकते हो, वेट ए मिनट, जी हाँ, ये ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लीजिए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट टू बी इंस्क्राइबल ऑन द US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, इनको जो है रामधार सिंह को जो है हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में जो है चुना गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन वुमेन बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन IMF फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट वॉल, तो गीता गोपीनाथ को यहाँ पे चुना गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, 13th FICCI। सबसे पहले तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए FICCI का फुल फॉर्म क्या है। ये ग्लोबल स्किल समिट 2020 में होने वाला है, 2022 में कहाँ होने वाला है, तो देखिए ये आंसर है नई दिल्ली में। यहाँ से आप देख लो लोगो इसका, और यहाँ से आप नीचे थोड़ा जूम इन करके पढ़ोगे तो न्यू दिल्ली आपको दिख जाएगा। कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। वेयर इज द 25th BGBBSF डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो ये ढाका में किया गया, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच जो भी डिस्प्यूट आते हैं तो दोनों कंट्री मिलकर रिजॉल्व करती है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, स्विट्जरलैंड में ये हुआ था। और फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी है, आप लोगों से पूछा जाएगा। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1876 बाय इन कोलकाता, किसके द्वारा की गई थी, कोलकाता में ये किया गया था लेकिन किसके द्वारा, ये चार ऑप्शंस में से आपको नीचे कमेंट करके आंसर बताना है। एक और बात मैं फिर से दोहरा दूं, 150 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, yourmithunsinghsingh@gmail.com पे मेल कर लो। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, प्लीज़ वीडियो को एक हिट लाइक ज़रूर दे दें, थैंक यू सो मच।